एवरीवन, आपका स्वागत है ईट यमीशियस पर। और आज हम बनाएंगे आटे का हेल्दी और टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक। मैंने आपके साथ पहले कई तरह की आटा केक की रेसिपीज शेयर की है और एक आटे का हेल्दी और टेस्टी क्रीम वाला केक की रेसिपी भी शेयर की है। तो ये आटे का ब्लैक फॉरेस्ट केक है, एकदम बेकरी जैसा है और बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही टेस्टी, यमीशियस और हेल्दी केक बनकर तैयार होता है, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। बेसिकली ये एक बर्थडे केक है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने आटे का चॉकलेट स्पॉन्ज केक पहले से ही बना करके और अच्छे से ठंडा करके रख रखा है। इसकी रेसिपी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ये आटे का बनाया हुआ एगलेस और बिना ओवन के बनाया हुआ चॉकलेट स्पॉन्ज केक है। साथ ही में इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसकी रेसिपी डायरेक्ट देख सकते हो। ये मैंने 200 ग्राम बटर को अच्छे से व्हिप करके बटर क्रीम तैयार किया है। इसका तरीका भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इसका भी रेसिपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक को सजाने के लिए मैंने चेरी का यूज़ किया है और ये मिल्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है मैंने, जो कि आपको किसी भी अच्छे बेकरी स्टोर पर या अच्छे जनरल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, या फिर आप जो डेरी मिल्क होती है वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। साथ ही में 1/4 कप चीनी को मैंने थोड़ा सा पानी में घोल करके अच्छा से उसका शुगर सिरप तैयार किया है। तो इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। आप चाहो तो अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनली इस केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और केक को बहुत ही आसानी से कट करने के लिए मैंने शार्प अच्छे पक्के धागे का यूज़ किया है। अब पाइपिंग बैग तैयार करने के लिए मैंने पार्चमेंट पेपर लिया है, जिसे कि मैं इस तरह से तिकोना कट कर लूँगी, ट्राइंगुलर इसे मैं कट कर लूँगी। आपके पास अगर रेडीमेड पाइपिंग बैग है तो उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप प्लास्टिक बैग से भी केक को डेकोरेट कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से तिकोना हम कट कर लेंगे इसे। तो ये देखिए इस तरह से ट्राइंगुलर पार्चमेंट पेपर को हम इस तरह से रख देंगे और इसका ये जो पॉइंट है, ये जो सिरा है, इस कोने को उठा करके हम इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला देंगे फोल्ड करते हुए इस तरह से, देखिए। और ये दूसरे वाले सिरे को भी हम इस तरह से फोल्ड करके इस पॉइंट से मिला देंगे, जिससे कि इसे एक कोन का शेप मिल जाएगा। और अब एक स्टेपलर की सहायता से इसे हम पिनअप कर देंगे ताकि ये बाद में खुले ना। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छे से पाइपिंग बैग की शेप में आया है। तो इसमें हम बटर क्रीम भर लेंगे। साथ ही में हमने जो ये चॉकलेट कंपाउंड लिया है इसे हम ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि हमारा चॉकलेट का भूरा तैयार हो जाएगा और इसे हम फिर साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर एक बड़े पतीले में मैंने पानी भरा है, इस पर हम एक थाली या प्लेट को रख देंगे ताकि ये हमारा स्टैंड बन जाए। इस पर हम हमारे चॉकलेट स्पॉन्ज को रख देंगे और अब हम इसे बीच में से चाकू से थोड़ा सा कट लगा देंगे, शार्प नाइफ से इस तरह से आधा कट कर देंगे। और जो हमने अच्छा पक्का मजबूत वाला धागा होना चाहिए उसे फिर हम इसे इस तरह से देखिए अच्छे से सेट कर देंगे और फिर इसे हम पुल करेंगे, अच्छे से खींचेंगे इसे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ऐसे केक की लेयर बहुत ही आसानी से इवनली कट हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत पड़ जाती है इसे कट करने में। तो अब हम केयरफुली ऊपर वाला पीस हटा देंगे और बहुत ही अच्छा हमारा केक। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बटर क्रीम लगा देंगे ताकि केक पर क्रीम लगाते टाइम पर यह ज़्यादा हिले डुले ना, और थोड़ा सा इसे हम दबा देंगे। और अब हमने जो पतला सा शुगर सिरप लिया है वो हम इस केक के ऊपर अच्छे से डाल देंगे ताकि हमारा केक एकदम अच्छे से मॉइस्ट बने। और इस पर अब हम एक पैलेट नाइफ से या किसी भी बटर वाले नाइफ से आप इस पर क्रीम लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से इस पर हम बटर क्रीम लगा देंगे इस तरह से। अब जो मैंने चेरी ली है उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो मैं इस पर डाल दूंगी। साथ ही में चॉकलेट के भी मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो भी हम इस पर डाल देंगे। और फिर इसे एक पैलेट नाइफ की मदद से हम थोड़ा सा दबा देंगे और दूसरा वाला जो पीस है हमारा वो हम इस पर रख देंगे और इस पर भी हम थोड़ा सा शुगर सिरप लगा देंगे, अच्छे से इस पर सोक कर देंगे हम। और अब हम बटर क्रीम से इस पूरे केक को अच्छे से कवर कर देंगे इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर बटर क्रीम का यूज़ किया है, आप चाहो तो व्हिप क्रीम का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से इस पर हम फैला देंगे इस क्रीम को, साइड्स पर भी हम बटर क्रीम को अच्छे से लगा देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही हम घर पर बहुत ही अच्छे से केक बना सकते हैं, वो आटे का। तो ये देखिए मैंने केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर लिया है। तो अब हमने जो चॉकलेट का भूरा तैयार किया है वो हम इस पर अच्छे से छिड़क देंगे ऊपर की तरफ और इसकी साइड्स में। आप यहाँ पर चॉकलेट शेविंग्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से इस पर हम चॉकलेट को छिड़क करके कवर कर लेंगे चॉकलेट से इसे।
ये देखिए अच्छे से मैंने इस पर चॉकलेट छिड़क दिया है ताकि इसे एक ब्लैक फॉरेस्ट वाला लुक मिल जाए। साथ ही में जो कोन हमने बनाया था उसमें मैंने बटर क्रीम भर लिया है, तो इस पर हम दो तिरछे कट लगा देंगे ताकि इसमें से जब क्रीम निकले तो थोड़ी सी डिजाइन ले। तो ये देखिए अब हम इस पर डिजाइन बनेंगे, तो ये दो तिरछे कट लगा लेने से इसमें थोड़े से अच्छे से डिजाइन में निकलती है क्रीम। आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें रोज वाला लुक आ रहा है। तो ये देखिए आप स्टार नोजल वगैरह भी डाल करके यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कभी कभार उसमें से क्रीम बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसी तरह से हम इस केक को डेकोरेट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस पर अब हम चेरी लगा देंगे। तो केक को आप अपनी पसंद से, अपनी इमेजिनेशन से जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो इसे अब हम एक प्लेट में रखेंगे, तो उसके लिए इसके नीचे हम इस तरह से एक पैलेट नाइफ घुसाएंगे, साथ ही में एक बड़ा वाला चाकू और क्रॉस में घुसाएंगे और केयरफुली इसे हम तोक के एक प्लेट में रख देंगे। तो ये लीजिए हमारा आटे का हेल्दी और टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक पूरी तरह से तैयार है कट करने के लिए। तो ये एक बर्थडे केक है, तो मैं आपको इसे कट करके तो नहीं दिखा सकती, बट आपने देखा कि बहुत ही आसान है घर पर बेकरी जैसा टेस्टी क्रीम वाला केक बनाना, वो भी आटे का यूज़ करके। तो आप भी किसी भी ओकेशन पर इस तरह से केक ज़रूर बनाएं, वो भी आटे से बनाएंगे तो सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे बनाइए, इन्जॉय करिए इसे सभी के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक ईट यमीशियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। हम जल्दी मिलते हैं किसी नई टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। टिल देन इन्जॉय दिस आटे का हेल्दी एंड टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यमीशियस।